अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस पर आपका खैर मुकद्दम है। हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसका टॉपिक है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये बहुत नाजुक टॉपिक है। इस वक्त दुनिया में लाखों इंसान इसके दावेदार हैं और इनके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, और ये तकरीबन मज़ाहिब में इस टॉपिक पर बात करने वाले मिल जाएंगे। मसलन मैं कौन हूँ जानने के लिए इस्लाम में खानकाहों में मशायखीन उज़ाम मारिफत तरीक़त के नाम से तालीमात देते हैं ख़ुद को जानने के लिए। इसमें एक अहम तालीम ये होती है मुराक़बा कराया जाता है, जो दीगर मज़ाहिब में मुराक़बे से मिलता जुलता, जैसे ध्यान और इंग्लिश में आप मेडिटेशन भी कहेंगे। तो ये टॉपिक में तकरीबन लोग को दिलचस्पी होती है और इसमें अपना वक्त और पैसा भी लगाते हैं। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ़ आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इस वक्त हकीकत है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ ना आएंगी। अगर मेरी किसी बात पर तकलीफ़ हो तो मुझको माफ़ कर दें। कायनात के बारे में अल्लाह ताला जाने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम जाने, हमें कुछ पता नहीं। मैं कौन हूँ, जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो मैं ख़ुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाता हूँ, जिसकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती। बस जो इस दुनिया में हमें तकालीफ़ पहुँचती हैं, इसके बचाव के लिए जो हाथ पैर मारते हैं, इसी को हम अपनी मर्ज़ी समझ लेते हैं। जब मैं गौर करता हूँ मेरे चारों तरफ कौन है, पता चलता है ना दिखने वाली मखलूक, शयातीन, शरीर जिन, जादू, काला जादू, हसद, जलन, नज़रे बद, बीमारियां, दर्द, तकालीफ़, हमारे ताल्लुक से सामने वाला इंसान क्या सोच रखता है हमें इसका इल्म ना होना, और अगले पल हमारे साथ क्या होगा उसका भी इल्म ना होना। मैंने 25 साल से ज़ायद कोशिश की कि ये जानूं मैं कौन हूँ, मैं नाकाम हो गया, बल्कि बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया है गौर व फिक्र करो। लाखों लोग गौर व फिक्र करने के रास्ते निकल पड़े हैं। इसमें कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, कितने नाकाम हो रहे हैं पता नहीं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया हूं। इंशाल्लाह अगली क्लिपों में जो भी मैं कहूंगा आप याद रखना, ये एक नाकाम इंसान के बोल हैं। इन बातों को सीरियस ना लें और कुछ बुरा लगे तो माफ़ कर दें। जाते जाते एक अहम बात बताऊंगा, पैसे को इज़्ज़त दें या ना दें आपकी मर्ज़ी, मगर आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा ना हो तो एक आध इंसान को छोड़कर आप दुनिया वालों को नज़र ना आओगे, जिसमें अपने और पराए सब शामिल हैं। जब आप दिखोगे ही नहीं तो आपकी फ़िक्र कौन करेगा।